इट डजंट जस्ट टेल टाइम, इट टेल्स हिस्ट्री। दोस्तों, एक घड़ी ऐसी है जो यदि आपकी कलाई पर आ जाए तो लोग बोलते हैं भाई पैसे वाला आसामी। एक घड़ी ऐसी है जिसके बारे में सोचते ही लग्जरी दिमाग में आती है, क्वालिटी दिमाग में आती है, एक्सक्लूसिविटी दिमाग में आती है, बहुत कम लोगों के पास होगी। प्राइड ऑफ पोजिशन दिमाग में आता है, बॉस हाथ में आ जाए तो मजा आ जाए। और सबसे बड़ी चीज इनोवेशन दिमाग में आता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड रोलेक्स की। सब ये सोचते हैं कि रोलेक्स स्विट्जरलैंड का ब्रांड है, लेकिन एक्चुअली ये यूके में पैदा हुआ था। यूके में जब इसके ऊपर खूब टैक्स लगे, प्रोडक्शन में बहुत तकलीफें होने लगी, तो ये ब्रांड स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, इतने रिकॉर्ड है इस घड़ी के ब्रांड के नाम पे, मानो ये कोई इन्वेंशन वाली कंपनी हो। फर्स्ट क्रोनोमीटर, फर्स्ट ऑटोमेटिक डे एंड डेट चेंज, फर्स्ट वॉच विथ टू टाइम जोन्स, फर्स्ट वाटर रेजिस्टेंट वॉच केस, और एक दो दस बीस पचास नहीं 500 से ज्यादा पेटेंट है इस घड़ी के नाम पर। और आज जब मैं आपको रोलेक्स की कहानियां सुनाऊंगा कि वो कैसे बनती है, क्यों वहां पर इतनी सुरक्षा है मानो वो कोई स्पेस स्टेशन हो या कोई बड़ा मिलिट्री सेटलमेंट हो, क्यों रोलेक्स को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है रोलेक्स की कि दुनिया का बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी इसको पहनता है लेकिन बहुत बार एंडोर्समेंट के पैसे नहीं लेता। आज दिल थाम के बैठिए और रोलेक्स की सक्सेस स्टोरी को सुनिए, क्योंकि हो सकता है इससे आपको अपने बिजनेस में ढेर सारे आइडियाज मिले। ये शो आप तक उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंच रहा हो, लाइफ हो चाहे बिजनेस, 400 से ज्यादा वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। हर दिन एक वीडियो भी देखेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। ऑडियो के प्रेमी है तो एक बार फिर याद दिला दूं, हर उज्ज्वल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर रिलीज होता है, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के नाम से। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और मेरी पॉडकास्ट को फॉलो करें। अपने बचपन को याद करता हूं, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे दादाजी की अलमारी में देखा करता था लॉकेट वाली घड़ी, जेब में रखने वाली घड़ी, एक घड़ी जो चेन के साथ आती है, और तब मैं समझ नहीं पाया इसका कारण क्या था। जब मैं रोलेक्स की इस केस स्टडी को पढ़ रहा था तब मुझे इसका सोर्स समझ आया। 1900 की शुरुआत में रिस्ट वॉचेस को बहुत हल्का माना जाता था, पॉकेट वॉचेस और लॉकेट वॉचेस ये एक जनरल ट्रेंड था। हल्का क्यों माना जाता था, क्योंकि रिस्ट वॉचेस डस्ट को सहन नहीं कर पाती थी, पानी को सहन नहीं कर पाती थी, फटाफट खराब हो जाती थी, और जैसी वो खराब होती थी अंदर कंटामिनेशन होता था, तब से पहले वो गलत टाइम दिखाना शुरू कर देती। रोलेक्स के जो फाउंडर थे हैंस विल्डॉफ, उन्होंने तय किया इस परसेप्शन को बदलना होगा, पूरी वॉच इंडस्ट्री को बदलना होगा, और यहां रोलेक्स ने रिस्ट वॉचेस को जन्म दिया। पहली रिस्ट वॉच जो क्रोनोमेट्रिक प्रेसिजन के साथ आई, वाटर रेजिस्टेंस के साथ आई, डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आई, और इससे वो सालों पुराना मिथ टूट गया और अपर क्लास के साथ बिल्कुल तुरंत तत्काल ये सुपर हिट हो गई। हाथ में दिखती थी ना, एक एक्सेसरीज के रूप में थी, गले वाली तो कोट के अंदर चली जाती थी, शर्ट के अंदर चली जाती थी, हाथ वाली यूं एक लग्जरी के रूप में, एक एक्सेसरी के रूप में दिखाने को काम आती थी। तो वहां से रिस्ट वॉचेस का जन्म हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं रिस्ट वॉच को दुनिया में सम्मान दिलाने का श्रेय रोलेक्स को जाता है। और जो शॉकिंग फैक्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको समझ आएगा भाई इसको खरीदने में इतना माल क्यों लगता है, इसको रखने वाले लोग यूं गर्व से क्यों भरे रहते हैं, क्यों रोलेक्स को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। हर रोलेक्स वॉच इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि उसको बनाने में एक साल लगता है। लगभग हर वॉच के एक एक पार्ट को हाथ से बनाते हैं, एक व्यक्ति एक वॉच को पकड़ता है और महीनों उस पर लगा रहता है, एक एक पार्ट को धीरे धीरे सेट करता है। एक पीस को बनाने में एस्टाउंडिंग एफर्ट लगता है। हर डायल हैंड क्राफ्ट होता है, हर स्टोन जो उसमें लगता है वो हैंड टेस्ट होता है, हाथ से बिठाया जाता है, हाथ से पॉलिश किया जाता है, और तब जाकर बनती है रोलेक्स। तो जो लोग रोलेक्स पहनते हैं उनको समझ में आता है इस एक घड़ी में कई लोगों की एक साल की मेहनत लगी है, इसलिए रोलेक्स महंगी होती है।
आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, रोलेक्स जो स्टील यूज करता है वो अपनी फाउंड्री में प्रोड्यूस करता है ताकि क्वालिटी कंट्रोल रख सके, और इसीलिए दुनिया में जो रोलेक्स का ओइस्टर स्टील है जिससे वाटर रेजिस्टेंट केस बनाता है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यूनिक है, पेटेंटेड है। रोलेक्स का जो एक एक पार्ट बनता है उसमें जो सिरेमिक लगता है, उसमें जो मेटल लगता है, उसमें जो गोल्ड लगता है, उसमें जो कलर्स लगते हैं, ये सब कुछ रोलेक्स की अपनी फैक्ट्री में बनते हैं। अब इससे क्या होता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है वो वर्ल्ड में रोबस्ट है। रोलेक्स को दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज केस स्टडी के रूप में यूज करती है कि कैसे ए से लेके जेड तक हर प्रोडक्ट का 100% कंट्रोल अपने हाथ में रख के आप दुनिया को मास्टरपीस बना के दे सकते। अभी रोलेक्स पर ये केस स्टडी रिकॉर्ड करते करते मुझे स्विट्जरलैंड का अपना एक वाकया याद आ रहा है। मैं स्विट्जरलैंड में एक रोलेक्स के शोरूम में गया और मैंने एक पर्टिकुलर वॉच पसंद की। जब मैंने पूछा ये कब तक मिलेगी, उन्होंने कहा सर 4 महीने लगेंगे। हमारी बातचीत शुरू हो गई। अब एक बिजनेस कोच होने के नाते मेरे सैकड़ों सवाल थे और वो लोग भी जवाब देने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनको अपनी लिगेसी बताने में, अपना इतिहास बताने में, अपनी खूबियां बताने में गजब का गर्व अनुभव होता है। वो मुझसे कहते हैं कि सर आपको पता है रोलेक्स के पास हमेशा प्रोडक्शन से ज़्यादा ऑर्डर्स रहते हैं, यानी हम हमेशा सप्लाई शॉर्टेज में रहते हैं। तो मैंने कहा यार इतना कॉमर्शियल युग है, प्रोडक्शन बढ़ा लो। वो कहते हैं रोलेक्स जेनरेशंस तक इसलिए आ पाया क्योंकि लोगों को पता है एक एक रोलेक्स हाथ से बनती है, किसी आदमी का साल भर लगता है और इसलिए वो पहनते हुए गर्व महसूस करता है। सर सप्लाई कुछ कम हो जाए चलेगा, क्योंकि स्कार्सिटी भी वैल्यू क्रिएट करती है। जब हम लोगों को कहते हैं ये वॉच 3 महीने बाद मिलेगी या ये एडिशन एग्जॉस्ट हो गया अभी तुरंत नहीं मिल पाएगा, लोगों को अफसोस होता है यार पहले ऑर्डर क्यों नहीं किया। हम एक ही वॉच कंपनी ऐसी है जहां पर कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स के लिए वेटिंग चलती है। मुझे लगता है दुनिया के जितने लग्जरी सुपर लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं उनके सोचने का तरीका, उनके बिहेव करने का तरीका मास प्रोडक्ट से एंटायरली डिफरेंट होता है, और उसका एक आधार होता है एक्सक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी और एक्सक्लूसिविटी। यदि आप दुनिया की सबसे बड़ी जेलों को देखेंगे उनसे भी ज्यादा सिक्योरिटी रोलेक्स अपनी फैक्ट्री और अपने प्रेमाइसेस में रखता है। हर एम्प्लॉय मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर से गुजरता है, आई स्कैनर्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, उनके जो डोर्स रहते हैं वो दुनिया के किसी भी सबसे महंगे सबसे सिक्योर बैंक के वॉल्ट से भी ज़्यादा मजबूत डोर्स होते हैं। आप जान के आश्चर्य कर जाएंगे, जब रोलेक्स के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो बख्तरबंद गाड़ियों में किया जाता है, आर्मर ट्रक्स में, और आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां चलती है। रोलेक्स नहीं चाहता कि कोई उनके पार्ट्स को टच करे, उनकी टेक्नोलॉजी को जाने, उनके प्रोसेसेस को जाने, उनके सिस्टम्स को समझे, और रोलेक्स अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है कि वो जेनरेशन टू जेनरेशन उनके यहाँ काम करते हैं, और इसके लिए वो उनको आउट ऑफ द वे फैसिलिटीज देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, रोलेक्स के अंदर की सीक्रेसी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, इतनी इज्जत है रोलेक्स की, जब रोलेक्स खुद अपने प्रोसेसेस की, अपने सिस्टम्स की, अपने लोगों की, अपने पार्ट्स की, अपनी टेक्निक्स की, अपने इनोवेशंस की इतनी कद्र और केयर करता है तो दुनिया तो करेगी मेरे भाई। आप सोचेंगे यार रोलेक्स तो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी, उसको गोल्ड रखने की क्या जरूरत, और इतना गोल्ड जिसके लिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगानी पड़े। रोलेक्स के महंगा होने का एक कारण और, रोलेक्स अपनी घड़ियों में बहुत गोल्ड यूज करता है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड यूज करता है। रोलेक्स को एक वक्त एहसास हुआ कि जो बाहर से गोल्ड आ रहा है यदि उसमें थोड़ी भी इंप्योरिटी हुई तो वो कहीं ना कहीं रोलेक्स की ब्रांड इमेज पर असर डालेगा। रोलेक्स ने अपनी फाउंड्री एस्टेब्लिश की और दुनिया का सबसे प्योर गोल्ड अपने यहाँ बनाना और अपने यहाँ स्टॉक करना शुरू किया। इसीलिए ज्वेलर भी कहते हैं रोलेक्स के अंदर जो गोल्ड होता है उसकी क्वालिटी पर कभी डाउट मत कीजिए, और इसीलिए तो रोलेक्स की इतनी प्रेस्टीज है। हर एक चीज़ में एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप और एक एक प्रोडक्ट कहते हैं ना सोने सा खरा, ये बात रोलेक्स पर खरी उतरती।
इनोवेशंस का मतलब लगातार रिसर्च करके नए प्रोडक्ट बनाना, और टेस्टिमोनियल्स का मतलब है हमारे प्रोडक्ट्स राइट है, जो हम दावे कर रहे हैं वो सही है, उसका प्रमाण देना, उसका प्रूफ देना। बल्कि ब्रांडिंग की दुनिया में ये कहा जाता है कि टेस्टिमोनियल स्ट्रेटजी लाने का श्रेय भी रोलेक्स को ही जाता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। 1926 में रोलेक्स ने एक वाटरप्रूफ वॉच इंट्रोड्यूस की। कहा गया ये वाटरप्रूफ है, ये डस्ट प्रूफ है, और नाम दिया गया ऑयस्टर कलेक्शन। लोगों को कम भरोसा था, ज्यादा भरोसा था, लेकिन रोलेक्स ने टेस्टिमोनियल के माध्यम से इसको प्रूफ किया। 1927 उन्होंने ब्रिटिश स्विमर मर्सिडीज ग्लिट्स के साथ हाथ मिलाया, और वो पूरा इंग्लिश चैनल जब उसने स्विम किया तो अपने हाथ में रोलेक्स की वॉच पहने रही। और खास बात क्या, पूरी स्विमिंग खत्म होने के बाद जब वो बाहर आई तो रोलेक्स परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में थी। और रोलेक्स के पास एक और अनूठा स्किल, वो अपने अचीवमेंट को मल्टीपल गुना बढ़ाकर चढ़ाकर दुनिया के सामने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास में प्रेजेंट करने में मास्टर है। एक महीने तक डेली मेल प्रसिद्ध न्यूज़पेपर का फुल पेज एडवर्टीजमेंट इसी अचीवमेंट के नाम पर आता रहा और लोगों को हिलाकर रख दिया। लोग आश्चर्यचकित थे, हैरान थे, परेशान थे, यार कोई घड़ी 10 घंटे तक पानी के अंदर रहकर भी परफेक्टली बाहर कैसे आ सकती है। और रोलेक्स और क्या करता था, अपने शोरूम्स के बाहर बड़े बड़े एक्वेरियम रखवाता और उसके अंदर घड़ी को डुबा कर रख देता। आते जाते लोग देखते, यार 2 लाख की घड़ी पानी में डूबी है, 5 लाख की घड़ी पानी में डूबी है, और रोलेक्स कहता ये हमारा प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, अरे महीनों पानी में डुबा कर रख लो, घड़ी को कुछ नहीं होगा। और ऐसा करने से दुनिया भर में जितने भी एडवेंचर पसंद करने वाले लोग हैं, जितने भी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी वाले हैं, उन सब में रोलेक्स राजा हो गया। रोलेक्स हमेशा ये सिद्ध करना चाहता था, हम सबसे स्टर्डी, हम सबसे मजबूत, हम सबसे रिजिड हैं, और हम आपका दुनिया के हर कोने में साथ देंगे। पानी में रोलेक्स ने खुद को प्रूव किया। अब रोलेक्स को दिखाना था हार्श वेदर चाहे जैसा हो, रोलेक्स सरवाइव कर सकती है। और 1953 में रोलेक्स माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग जब माउंट एवरेस्ट पर फतह कर रहे थे, उस वक्त उनके हाथ में रोलेक्स की घड़ी थी। और उसी साल रोलेक्स ने अपनी वॉच निकाल दी, रोलेक्स एक्सप्लोरर, जिसको पूरी दुनिया के माउंटेनियर्स ने हाथों हाथ लिया। तो एक तरफ इनोवेशन और दूसरी तरफ उस फील्ड के टॉप सेलिब्रिटीज, टॉप अचीवर्स का टेस्टिमोनियल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन तुरंत रोलेक्स को उस फील्ड का लीडर बना देता। रोलेक्स ने ऐसा प्रचार किया, जब आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को एक रोलेक्स दीजिए। वो सेलिब्रेटरी सिंबल बन गया अचीवमेंट का, एक्सीलेंस का और टॉप ग्रेड का। यदि आप टॉप पर हैं, यदि आप नंबर वन हैं, यदि आप सेलिब्रिटी हैं, यदि दुनिया आपकी तरफ देखती है, तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ रोलेक्स होना चाहिए। इसीलिए रोलेक्स के एडवर्टीजमेंट्स में बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं होती। वो कभी ये बताने में यकीन ही नहीं करते कि हम हमारे कॉम्पिटिटर से कैसे सुपीरियर हैं। रोलेक्स कहता है हमें एक वॉच समझ के मत खरीदो, जब आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिले तब अपने आप को रोलेक्स का रिवॉर्ड दो, क्योंकि रोलेक्स का रिवॉर्ड पाए बिना आपका सक्सेस पूरा नहीं होगा। 100 रुपए की घड़ी में भी टाइम देखा जा सकता है, और ना कोई 1 सेकंड बढ़ा सकता है जिंदगी में, ना घटा सकता है। जब आप किसी प्रोडक्ट का लाखों देते हैं तो आप उस प्रोडक्ट का नहीं देते, आप उस प्रोडक्ट से जुड़े इमोशंस का देते हैं, उस प्राइड ऑफ पोजीशन का देते हैं, उस अकम्प्लिशमेंट का देते हैं कि हाँ मैं इस काबिल हो गया। इसीलिए रोलेक्स की कैंपेन्स में टैगलाइन कैसी होती है, एवरी रोलेक्स टेल्स अ स्टोरी, अ क्राउन फॉर एवरी अचीवमेंट, इट डजंट जस्ट टेल टाइम, इट टेल्स हिस्ट्री। और कुछ लोग कहते हैं प्राइड ऑफ पोजीशन इसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि आधा काम तभी खत्म हो जाता है जब बायर वॉच खरीदने के बाद 100 लोगों को दिखाता है, देखो मैंने रोलेक्स खरीद ली। और आपको सबसे यूनिक बात बताता हूं, रोजर फेडरर से लेकर माइकल बबल तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो रोलेक्स के हार्डकोर लॉयलिस्ट हैं, वो रोलेक्स के जेन्युइन यूजर हैं, और खास बात वो रोलेक्स को पहनते हैं। पहनने से अपने आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका एडवर्टीजमेंट होता है, और वो कोई एंडोर्समेंट डील किए बिना रोलेक्स पहनते हैं। बहुत सारे बड़े घराने, ये हमारे परदादा की रोलेक्स है, ये हमारे दादा की रोलेक्स है करके फैमिली उसको एक ट्रेडिशन मान के, एक हेयरलूम मान के, एक संपत्ति मान के अपनी अगली जेनरेशंस को पास करती है। और इसीलिए रोलेक्स किस बात पे हिट करता है, वो हिट करता है टाइमलेसनेस। एक ऐसा ब्रांड जो कोई भी जेनरेशन हो, अपनी ब्रांड वैल्यू उसने बना कर रखी हुई है। एक आम बिजनेस ओनर सोचता है, बिजनेस लगातार मेरी पकड़ में रहे, मैं ही बिजनेस पे नियंत्रण करूं, बिजनेस का सारा स्वामित्व, सारे निर्णय लेने की क्षमताएं मेरे पास रहे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको एक पल के लिए आश्चर्य होगा। 1944 में हैंस विल्सडॉर्फ की वाइफ नहीं रही, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हिस्से के सारे शेयर्स एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में डाल दिया ताकि जो भी इनकम हो उससे चैरिटी होते रहे। अब हैंस विल्सडॉर्फ नहीं रहे, और अब जो रोलेक्स को चला रहा है वो एक ट्रस्ट चलाता है, और एक ट्रस्ट भी इतना कॉम्पिटिटिव है कि उसने रोलेक्स को वर्ल्ड लीडर बना के रखा है। और इस वक्त मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूँ, आपके मन में आ रहा है यार हम रोलेक्स कब लेंगे, तो भाई एक साल डाल लीजिए, एक डेट डाल लीजिए, और जान झोंक दीजिए वो काबिलियत हासिल करने के लिए जिससे आपके हाथ में भी रोलेक्स आ सके, और अपनी उस बड़ी सेलिब्रेशन पर आप खुद को रोलेक्स रिवॉर्ड में दे सकें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।